श्वेता, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। किस तरह से इस अचीवमेंट की शुरुआत हुई, क्या कुछ प्रिपरेशन था स्टार्टिंग में, अगर कुछ बताना चाहो। श्योर। Actually, I wanted to, when I was a kid, I really wanted to, because I was into sports and everything. So, उस समय mind में था कि हाँ track करेंगे कभी ऐसे, but फिर line एकदम change हो गई when I got into acting. तो फिर लगा शायद अब तो नहीं होगा, because बहुत सारे factors हैं, like you know, आपको ये लगता है कि अच्छा skin ख़राब ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, it's difficult. And then, more than anything, 15 days you have to take out and go and shoot. सॉरी शूट बोल रही हूँ अभी भी, यू हैव टू गो इन ट्रैक, यू हैव टू गो इन ट्रैक। तो रैंडमली वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मुझे लगा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो जस्ट फॉर अ चेंज, लाइक एक्टिंग से हटके कुछ मुझे ऐसा करना है जो डिफरेंट हो। सो आई थॉट व्हाई नॉट माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प, विच आई वॉन्टेड टू डू। सो आई जस्ट टोल्ड माई मॉम वन डे कि डू यू थिंक आई शुड डू माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प, लाइक आई शुड गो ऑन अ ट्रैक। She was like, yes, you should. I said, no, I was thinking to drop the idea. So by the time I said, I'll drop the idea, my dad was in the room and he said, you can't drop the idea, you have to go and trek now. I said, oh, okay. So mujhse zyada, I think my parents were very excited that I'm thinking of, you know, trekking to Mount Everest Base Camp. And bahut zyada supportive, like my mom, dad was really very supportive. They were like, nahi nahi, you should go and you know, you should find out and everything. And मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये अगेन जैसे एक्टिंग मेरे लिए डेस्टिनी प्लान कर चुकी थी, वैसे ही मुझे लगता है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी मेरी डेस्टिनी ने मेरे लिए प्लान किया हुआ था। क्योंकि जब मैंने सोचा एंड आई जस्ट हैपन टू स्पीक टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई जस्ट शेयर एन आइडिया दैट यू नो आई एम प्लानिंग टू यू नो मे बी ट्रैक फॉर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, व्हाट डू यू थिंक, इज द आइडिया गुड? तो ही इमिजिएटली सेड लाइक, लिसन आई एम ऑल्सो थिंकिंग एंड आई एम सेंडिंग यू द डिटेल्स। सो विद इन 5 मिनट्स मेरे पास पूरी डिटेल्स थी, मतलब फ़ोन मैंने रखा और मेरे फ़ोन पे सारी डिटेल्स थी फ्रॉम द ग्रुप विद विच आई कैन गो एंड ट्रैक एंड एवरीथिंग। एंड प्लस पॉइंट ऐसे हुआ कि जो रूट्स एंड क्रैम्पॉन्स हैं जो जिनके साथ में गई थी वो आर्मी, मतलब रोमिल सर ही इज फ्रॉम आर्मी ओनली, तो एक क्या होता है ना आर्मी आर्मी में एक वो होता है कि हाँ ठीक है लेट्स डू इट टुगेदर। सो ही वी वर लाइक 27 पीपल हु आर ट्रैकिंग टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। एंड फिर तो बस फिर ये हुआ कि जूम कॉल्स होने लगी पूरे ग्रुप की और हमें क्या क्या वर्कआउट करना है, डाइट कैसा रखना है, क्या क्या चीज़ें साथ में लेनी है, व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्कआउट तो करना ही है बट मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे टोल्ड अस कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी एंड यू विल बिकम चिड़चिड़ा, यू विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे बिकॉज यू नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, हेड एक हो रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, फटीग हो चुकी है, इतना चल रहे हो आप, चलते जा रहे हो, सो पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज। सो फॉर दैट यू हैव टू कंट्रोल, लाइक यू नीड टू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर माइंड कि यू डोंट गिव अप कि नहीं भाई अब नहीं होगा, लेट्स गो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक आई रियली यू नो ऑल दोज थिंग्स रियली हेल्प्ड मी। एंड ऑल्सो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी विल पावर बहुत अच्छी है एंड इस ट्रैक के बाद तो मुझे 100% श्योर हो गया मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, और कुछ होना हो विल पावर बहुत अच्छी है। एंड सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई कुड कंप्लीट माई ट्रैक। Mentally also, physically also, you have to be very strong. Very, very strong for this. What is the one big thing that you have sacrificed in food wise? No, I have not sacrificed. I had to eat. So you have to eat, okay. Because the thing was, as an actor, you do dieting, yes. Okay. But when you have to trek, you have to eat. Okay. Because you need that strength. So, जब भी मुझे खाना आता था, ऐसे थाली आती थी, तो नेपाली थकाली थाली कहते हैं उसे, तो वो थाली आती थी हमें खाने के लिए, उसमें आलू ज़रूर होते थे। एंड देर इज़ वन थिंग इज आई डोंट ईट आलू। तो जो हमारे जो माय गाइड सर थे, मतलब रोमिल सर, ही यूज्ड टू सिट राइट इन फ्रंट, मैं उन्हीं के साथ खाती थी क्योंकि मुझे लगता था व्हाट ही इज़ ईटिंग आई शुड ईट दैट, क्योंकि ही नोज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड ईट फॉर द ट्रैक। सो आई सेड आई एम गोइंग टू ईट व्हाट यू आर ईटिंग। तो आलू ज़रूर होते थे तो मैं हमेशा आलू छोड़ देती थी, मतलब ऐसे साइड में रखती थी, छोड़ तो आप सकते ही नहीं हो, साइड में रखती थी और यू कैन कीप इट असाइड खाने से पहले कि कोई और ले ले उसे। सो यूज टू मेक श्योर दैट आई डोंट कीप इट एंड आई हैव टू ईट दैट आलू बिकॉज यू नीड स्टार्च, यू नीड यू नो दैट काइंड ऑफ कार्ब्स सो दैट यू कैन ट्रैक, यू नीड दैट थिंग। सो आई यूज टू टेल हिम, ही यूज टू टेल मी, श्वेता मैम ईट,
प्लीज ईट आलू, प्लीज ईट आलू. आई सेड सर आई डोंट ईट आलू. So I had to eat aloos, lot of aloos. And what about now if I order something in potato, will you eat? No, I don't eat potatoes. Don't eat potatoes. I don't eat potatoes. Okay. It's like very rarely I would eat french fries, but I don't eat french fries also. तो मैं बात करूँ जब हम एक पड़ाव पे चढ़ते हैं, उससे पहले हम छोटे छोटे पड़ाव पे चढ़ते हैं, तो शुरुआत कब से हुई, ट्रैकिंग की शुरुआत कब से हुई? Because we have small areas trekking wise. If we go to Virar, there is a track. There's a track, yeah. Then we'll go to Lonavala, there is a track. There's a track, yeah. तो सबसे पहले trekking कहाँ से शुरुआत? नहीं, अगर trekking आप बोलोगे ना तो सबसे पहले Mount Everest base camp ही है, क्योंकि उससे पहले like I am पहाड़ी, but हम लोग ऐसे ऊपर नीचे पहाड़ में ऐसे चढ़ते हैं तो वो ट्रैक नहीं होता है, वो रास्ता होता है कि आप मार्केट जा रहे हो और वापस आ रहे हो. यस राइट. तो उसको हम ट्रैक नहीं बोलते हैं, वो नॉर्मल रास्ता है. जैसे उन्होंने हमें बोला था ना कि सर ने हमें बोला था सीधे सीधे जाना है, अब तो वो सीधे नहीं गए थे, हम ऐसे गए थे. तो मैंने कहा सर ये सीधा नहीं है, तो बोलते ये नेपाली सीधा है. तो मैं वैसे ही बोलती हूँ कि हम लोग को नॉर्मली वैसे वो चलना है, वो पहाड़ में ही चलना है, वो ट्रैक नहीं होता, वो तो नॉर्मल चलना ही है हमारे लिए. सो ट्रैकिंग के नाम पे ट्रैकिंग नहीं करिए, बट ऐसे चलें. सो इफ यू से, अगर मैं ये बोलूं कि हमने ट्रैकिंग की है तो दैट इज माउंट एवरेस्ट बेस. यस. एंड सबसे डिफिकल्टी पार्ट क्या हुई थी? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तीन जगह पे हुआ था. एक जब हम नामचे बाजार पहुंच रहे थे, दैट इज़ उनका एक विलेज है जो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका ट्रैक बहुत टायरिंग है क्योंकि वो स्टीप है. सो इट इज़ वेरी टायरिंग एंड इट्स लाइक नेवर एंडिंग. तो वो एक वो हमारा फर्स्ट डे में ही था, फर्स्ट नहीं सेकेंड डे में, इट वॉज वी हैड दैट ऑन सेकेंड डे, बट इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ट्रैक. मतलब लॉन्ग ट्रैक एज इन नॉट किलोमीटर वाइज, डिफिकल्टीज वाइज, दैट वॉज वन. देन जस्ट टू डेज प्रायर रीचिंग टू माउंट एवरेस्ट आई वॉज मतलब आई गॉट दैट एल्टीट्यूड सिकनेस. लाइक इन द इवनिंग बाय द टाइम आई रीच डिम्बोचे आई वॉज प्यूकिंग, एवरीथिंग दैट आई कीप इन माई माउथ आई वॉज प्यूकिंग. So that night I could not eat anything. Everybody panicked because the thing was, matlab you need to eat if you have to trek tomorrow morning, like 6. We have to go, if you have to have our breakfast at 6 and leave by 6:30, you need to eat very well. But I was not able to eat anything that whole night and I was just puking. So even like a guide sir, he was also a little worried and he was like, he was telling me, Shweta ma'am, do din bache base camp ke liye, agar aapne vomiting nahi roki to I'll have to send you back. Yes. And us pure situation mein, that's why I'll tell you how your brain works. I was telling him don't send me back, I was puking, matlab I must have puked so many times, and every time I'll come back and I'll tell him don't send me back, don't send me back, and I would faint, but I'll tell him don't send me back. So that's where I think my brain really worked with it, and also with the help of our entire team and Romil sir who helped me, and my friends Rahul and everyone. So that was very very scary for me, because that night I was just praying that please ruk jao, mujhe sirf 2 din trek karke jana hai, main pahunch jaungi, uske baad bimar ho jao, no problem. But that also there was a thought that, you know, ki what did I do, where have I reached? Like, and for all this torture, I've paid also. Because there was extreme headache, continuous headache, which was like not going at all. I just wanted to bang my head somewhere. But also at the same time, I knew that this is what's going to happen. Because there were other people also jinko headaches ho rahe the. But unke aa rahe ja rahe the, mera continuous tha. So I was little worried with that. कि और कुछ ना हो, बट देन एक चीज़ थी कि ट्रैक पूरा कंप्लीट करना है. एंड थर्ड थिंग व्हेन आई वाज वेरी स्केर्ड वाज व्हेन आई वाज कमिंग डाउन वी लॉस्ट द पाथ, लाइक वी वर लॉस्ट 6 ऑफ अस बिकॉज इट वाज स्नोइंग और जो ट्रैक था हमारा वो कवर हो गया था. तो हमने गलत टर्न ले लिया और वो गलत टर्न लेने के बाद वो हमें इतना भारी पड़ा कि ऑलमोस्ट एक माउंटेन का रेंज हमें पूरा क्रॉस करके अपने टी हाउस तक पहुंचना पड़ा. सो दैट डे तो मैं वापस आके व्हेन आई सॉ आ पीपल आई क्राइड आल्सो, आई सेड दिस इज नॉट, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे लिटरली लगा था कि अब मैं यहीं फ्रोज हो जाऊंगी, यहीं टाइम विल बी लाइक अ फ्रोजन समथिंग, पीपल विल कम एंड टेक मी, ओके द बॉडी इज गॉन. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक
इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. लाइक नाउ अगर मुझसे अभी कोई ऐसे पहाड़ देख के बोलता ना इसको क्रॉस करके उधर जाना है, पागल हो गए ऑन क्रॉस करके जाएगा, अब मुझे बोलेंगे मैंने कहा हाँ हाँ चलो. सो वन थिंग आई हैव लर्न्ड इज वन स्टेप एट अ टाइम एंड इट्स ऑल अबाउट दैट. इफ यू आर ट्रैकिंग यू हैव टू टेक वन स्टेप. व्हेन यू गिविंग इट अप जस्ट रिमेंबर वन स्टेप एट अ टाइम एंड यू विल रीच. बट जब हम बात करें एंटरटेनमेंट से किसको लेके जाना चाहोगे अपने साथ ट्रैकिंग पे? ट्रैकिंग पे entertainment, I think Akshay Kumar, he's quite fit, he should be there. And even Rohit Shetty, उन्होंने इतनी सारी कार उड़ाई हैं, उनको थोड़ा ट्रैक करके माउंट एवरेस्ट चलना चाहिए बेस कैंप. Why Rohit Shetty? Do you want to give khatro ki kya jo? How the people are saying that I've given? No, but that was not in my mind at all. Because here we are facing nature, which can be difficult at times, and it was difficult because हमें नहीं पता आगे क्या होगा. लाइक वी आर वॉकिंग वी आर ट्रैकिंग वी आर ट्रैकिंग आई डोंट नो आई विल बी फाइन और नॉट. आई डोंट नो कि इतने हेडेक के बाद विल आई बी एबल टू रीच देयर और नॉट. हाउ द वेदर विल बी बिकॉज इट वॉज स्नोइंग व्हेन वी वर ट्रैकिंग. रास्ता खोया हम खो गए, मतलब हो सकता था हम नहीं मिलते. वो तो थैंकफुली वी मेट वन पर्सन हु गाइडेड अस, अदरवाइज तो हमें से किसी को रास्ता नहीं पता था. वी वुड हैव बीन लॉस्ट ओनली समवेयर. बट थैंकफुली सबकी किस्मत अच्छी थी कि पहुंच गए वापस. एंड आई डोंट थिंक मेरे दिमाग में वो था, बट अब सबने बोला तो मुझे लगता है हाँ मतलब एक डिफिकल्ट टास्क तो कर ही लिया है. बट इट्स समथिंग विच आई डिड जस्ट फॉर माई सेल्फ. एक आखिरी सवाल, आप ऊपर गए आपने काफी सारे फोटोज डाली, इसमें एक फोटो काफी स्पेशल लगी मुझे. काफी लोग थे, फॉरेनर्स भी थे, सब थे, देवर ऑल क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एवरी थिंग. एंड देन दिस डॉग ही वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड. सो आई सेड यू नो आई नीड, आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिम कि यू नो सी विद ह्यूमन. Like, he's the best companion. He's here also. He's, and for me it was like, oh god, ye Mount Everest base camp bhi chadh ke aa gaya hai. He's like, iski sab to picture banti hi hai, and he's staying there. So that is, yeah, that's a very special picture. And in fact raste mein kafi sare jo pahadi mein na bhotiya kutte bahut hote hain, so he's one of those bhotiyas usme se. So and they're very loving kyunki mere paas khud मेरे होम टाउन में आई हैड टिबेटियन मास्टर्स इन भोटिया मैंने पाले में. दे आर वेरी लविंग, सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी देयर. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.